राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामना दी और कहा कि सामाजिक समानता और सद्भावना से जुड़े उनके अनमोल विचार आज भी भारतीय समाज को सिंचित कर रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती है। यही वजह है कि इस दिन लोग खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के दौरान 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोजगार मेले की ये यात्रा इस महीने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी, तब से निरंतर केंद्र शासित और भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस राज्य में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। आज कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी कांकेर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। झारखंड सरकार राज्य में रह रहे सभी जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जल्द ही एक जनजातीय विकास डिजिटल एटलस विकसित करेगी और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों को सामाजिक आर्थिक ताने बाने में शामिल करने के लिए कदम उठाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का राज्य का दौरा जारी है। प्रियंका गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दमोह जिले में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जैसे जैसे समय बीतता है राजनीतिक नेताओं से हमारी उम्मीदें कम होती जाती हैं। भारत राष्ट्र समिति नेता और तेलंगाना मंत्री केटी रामा राव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर देश में कोई असली सफेद हाथी है तो वह ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, क्योंकि लोगों ने सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के कुशासन का खामियाजा भुगता है। राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बरकरार है। हवाओं की दिशा बदलने व गति कम होने से कई इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 261 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। विज्ञान व पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जलवायु परिवर्तन की वजह से बिजली की मांग बढ़ रही है। खबरों की माने तो जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश के पैटर्न में बदलाव आया है, जिससे दिल्ली की सापेक्ष आर्द्रता और हीट इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के दौरान 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार मेले की यात्रा इस महीने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी, तब से निरंतर केंद्र और एनडीए शासित भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है। अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। रोजगार मेले की यात्रा इस महीने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी, तब से निरंतर केंद्र और एनडीए शासित भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज भी 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, इसके लिए आप सभी मेरे नौजवान साथी, विशेषकर हमारी बेटियां बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके परिवार को विशेष रूप से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा बना हुआ है। हमने भर्ती प्रक्रिया को न सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था, वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है। यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है। युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एसएससी के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में उन युवाओं को नौकरी के लिए आवेदन करने का अवसर मिल रहा है जिनके रास्ते में भाषा की दीवार खड़ी थी। साथियों, आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। आज आप सभी राष्ट्र निर्माण की हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर के हमसे जुड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने सपनों को आज पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप देशवासियों के सपनों की ओनरशिप ले रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी तत्परता से आपका सक्रिय प्रोएक्टिव योगदान बहुत जरूरी है। आई गॉट पोर्टल पर आप अपना ज्ञान भी बढ़ाते चले। आपका हर कदम देश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने में मदद करेगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाला पूरा समय, आज तो शरद पूर्णिमा है, आने वाला पूरा समय त्योहारों का समय है। आप जहां हो, भले सरकारी काम में लगे हो, लेकिन वोकल फॉर लोकल इस मंत्र को हर जगह पे पहुंचाइए। आप अपने परिवारजनों को भी बताइए वोकल फॉर लोकल के लिए कमिटेड रहेंगे, और वही रोजगार के नए अवसर देने का भी एक माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में 688 करोड़ की 145 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने वाल्मीकि जयंती की सभी को शुभकामना दी। उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद में पास होने व नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम की सराहना की। सीएम ने कहा कि कोई समाज तब तक सशक्त और स्वावलंबी नहीं हो सकता जब तक उस समाज में आधी आबादी सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन यापन न कर रही हो। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्य आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बेटियों और महिलाओं को सुरक्षा देने, शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उनके आगे का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। आज शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है। आदि महाकाव्य रामायण के रचनाकार त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी की भी पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम सब आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, जिन्होंने जो कहा सो करके दिखाया। देश के अंदर 100 वर्ष के बाद नई संसद बनी, नया संसद भवन बना, और नया संसद भवन का पहला सत्र किस कार्य के लिए होना है इसको तय करने के लिए जब सदन बुलाया गया, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को सम्मान देने के लिए
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद से पारित करवा करके मातृ शक्ति के सशक्तिकरण और सम्मान को स्वर्णाक्षरों में फिर से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। हम सब जानते हैं कोई समाज तब तक स्वावलंबी और सशक्त नहीं हो सकता जब तक कि उस समाज में आधी आबादी सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हो। भारत तो हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है और आज उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का यही मानना है कि बगैर आबादी की को सम्मान दिए बगैर उनके सशक्ति के बगैर विकास की योजनाओं का मूल्य अधूरा है, उसका कोई मूल्य नहीं बल्कि वह अवमूल्यन की तरफ जाएगा। और इसी को ध्यान में रखकर कि आज डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मिशन शक्ति का चतुर्थ चरण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। इसमें एक ओर बेटियों और बहनों को सुरक्षा की पूरी गारंटी देना, दूसरी ओर उनके सम्मान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को जन जागरण के माध्यम से उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम बनाना और तीसरे चरण में उनके स्वावलंबन के लिए शासन की विभिन्न स्कीमों को योजनाओं को उनको जोड़ने का कार्यक्रम करके उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त करना। आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब तक हम 15,000 दे रहे हैं, नए सत्र में इस राशि को 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया जा चुका है और इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। बेटी जन्म लेगी तो बेटी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। यह व्यवस्था भी से दी गई है जिससे बेटे और बेटी के बीच में कोई भेदभाव प्रदेश के अंदर न होने पाए। यानी सरकार की योजनाएं 15 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को पूरे कोरोना कालखंड में अभी भी फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करते हुए सरकार संकट की साथी है, इस एक संकल्प के साथ आपके साथ जुड़ी हुई है। ये सभी कार्यक्रम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि आपने योग्य प्रतिनिधि हमें उपलब्ध करवाए, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने वाले पदाधिकारी, ये सभी लोग मिलकर के जब शासन तक अपनी योजनाएं पहुंचाते हैं तो शासन से योजनाएं फिर जनपद तक पहुंचती हैं। जनपद में प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर के जब उनका प्रभावी क्रियान्वयन करते हैं आम जनमानस तक वे पहुंचती हैं। आम जनमानस तक जब पहुंचती है उसका लाभ प्रभावी ढंग से प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव के प्राप्त होती भी दिखाई देती है। ये 688 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं आज उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए आज यहां पे लागू हो चुके हैं या लागू होने जा रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे औरैया वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमें मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उन वीरों की वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ है जिन्होंने देश की माटी की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान में हमने अपनी भागीदारी निभाई है जिसका परिणाम है कि अमृत कलश यात्रा में देवभूमि के सुदूरवर्ती अंचलों के 95 विकास खंडों व 101 नगर निकायों से 192 तथा नेहरू युवा केंद्रों से 166 स्वयं सेवक उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आयोजित अमृत कलश यात्रा के अवसर पर सबसे पहले तो मैं अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को, उनके सभी परिजनों को अपनी ओर से सभी का मैं भावपूर्ण स्मरण करता हूं और यहां पर उपस्थित होने पर
सभी हमारे वीर जवानों का और उनके परिजनों का अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर उन सबको प्रणाम भी करता हूँ, नमन करता हूँ, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आइए आज के इस अवसर पर हम सभी राष्ट्र के लिए अपना जीवन निछावर करने वाले सभी वीर बलिदानियों को जिन्होंने अपनी शहादत दी है, अपने प्राणों का बलिदान किया है, उन सबका नमन करें, उन सबका स्मरण करें। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ये मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उन वीरों को वंदना करने का, उन सबका स्मरण करने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है जिन्होंने देश की माटी के खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है और प्राणों की आहुति भी हंसते हंसते दी है। जिस प्रकार आज तक देश के अंदर जितने भी अभियान चले हैं, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रत्येक अभियान में संपूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया है, उसी प्रकार हमने मेरी माटी मेरा देश महाअभियान में भी अपनी संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की है। यहाँ पर आज अमृत कलश यात्रा में देवभूमि के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से और 95 विकास खंडों, 101 नगर निकायों से तथा 192 तथा नेहरू युवा केंद्रों से 166 स्वयंसेवक और हमारे ITBP के और SSB के लोग यहां का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह कलश यात्रा अमर शहीदों के त्याग एवं बलिदान को हमारे मस्तिष्क में चिरस्थायी रखने के उद्देश्य से संपूर्ण देश भर के अंदर मेरी माटी मेरा देश महाअभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसके पीछे हेतु है कि जहां हम अपने उन अमर बलिदानियों का स्मरण करें, वहीं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वह पीढ़ी भी एक विरासत के तहत उन सभी का स्मरण करे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। इस यात्रा के तहत अमर शहीदों की तपोभूमि की मिट्टी को अमृत कलश यात्रा में दिल्ली में जो अमृत कलश है उसमें दिल्ली में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक पहुंचाया जा रहा है। अमृत कलश यात्रा के तहत पूरे देश भर से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर 7500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा, अमृत वाटिका बनाई जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत वाटिका उनके द्वारा दिए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरी तरह से पूर्ण करने में निश्चित रूप से सहायक होगी। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसके नागरिकों के मन में अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के और अपनी परंपरा और जो उनकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य पर सभी को पूरा विश्वास होता है और गर्व का भी भाव होता है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हर देशवासी के मन में, हर भारतीय के मन में यह विश्वास एवं गर्व का भाव उत्पन्न करने का काम, उसको प्रेरित करने का काम आज पूरे 140 करोड़ भारतीयों के मन में लगातार एक गौरव की अनुभूति पैदा करने का काम हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश जिस विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है उस यात्रा में उत्तराखंड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है उस आज के अवसर पर हम सब लोगों को आज यहां से एक संकल्प लेकर, एक शपथ लेकर और एक सौगंध लेकर जाना होगा। जो भी हम जिस स्थानों पर भी रहते हैं, जो भी काम, जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी हमारी है उसको हम पूरा करेंगे। एक बार पुनः मैं सभी अमर शहीदों को नमन करते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. न्यू बीकानेर स्वीट्स की ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर हमारे यहां स्वादिष्ट फैनी व मट्ठी उपलब्ध है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर वरिष्ठ आप नेता रीना गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान आप नेत्री ने कहा कि सर्दी आते ही पूरे उत्तर भारत में हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है। उन्होंने 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत के 99.5% डिस्ट्रिक्ट में
हवा की गुणवत्ता खराब है और इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार हर साल प्रदूषण की रोकथाम के लिए कदम उठा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में 30% हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और प्रदूषण की रोकथाम के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा। वहीं प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है पूरे उत्तर भारत में, चाहे यूपी हो, गुड़गांव हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, पूरे उत्तर भारत में हवा की क्वालिटी खराब होने लगती है। आप कहीं भी चले जाइए और डॉक्टरों से बात करिए तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि दमा के, अस्थमा के मरीजों की संख्या उत्तर भारत में सर्दी के मौसम में बढ़ जाती। 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी करी थी और उन्होंने कहा था कि भारत के 99.5 डिस्ट्रिक्ट्स में एयर क्वालिटी खराब है। मतलब हमारे देश के 99% लोग जो हैं, जिस तरह की हवा में उनको सांस लेनी चाहिए उससे खराब हवा में सांस ले रहे हैं। इतनी बड़ी अगर इमरजेंसी है तो आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि अगर आपके देश के 99% जिलों में हवा की क्वालिटी खराब है तो उस पे आपका क्या प्लान है? आज तक हमने देश के प्रधानमंत्री या देश के पर्यावरण मंत्री से कोई प्लान नहीं सुना। अगर पूरे देश में देखा जाए तो सिर्फ एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के एक पढ़े लिखे आईआईटी के मुख्यमंत्री जो हर साल एक विंटर एक्शन प्लान, समर एक्शन प्लान की घोषणा करते हैं, जो बताते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार क्या क्या कदम लेगी। वहीं दूसरी ओर विश्व की 50 सबसे प्रदूषित शहर, उसमें से 39 हमारे देश में है। मतलब पूरी दुनिया के 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में से 39 सिटीज भारत में हैं और उन 39 में से लगभग 20 जो शहर हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। सिर्फ दिल्ली सरकार जो है वो हर साल दर साल एयर क्वालिटी पे काम कर रही है। यही कारण है कि दिल्ली में 30% एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम अपने फाइनल गंतव्य पे पहुँच गए हैं, उसके लिए अभी और काम करना पड़ेगा, लेकिन आज की प्रेस वार्ता का मेन मुद्दा ये है कि दिल्ली की हवा और नॉर्थ इंडिया की हवा इम्प्रूव करने के लिए सारे राज्यों को मिलके काम करना पड़ेगा। दिल्ली का एयर शेड बोलते हैं कि ऐसा पूरा एरिया जिस एरिया से एयर क्वालिटी डिफाइन होती है, गवर्न होती है, तो दिल्ली के चारों तरफ 300 किलोमीटर में जो भी कुछ एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी का असर दिल्ली की हवा पे पड़ता है। यही कारण है कि आप देखिए आज की तारीख में चाहे झज्जर हो हरियाणा में, चाहे गाजियाबाद हो, बागपत हो, मेरठ हो, गुड़गांव हो, इन सब एरियाज की एयर क्वालिटी खराब है, लेकिन ये सारे एरियाज में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार का एक आईएमडी डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक डाटाबेस बनाया, सफर डाटाबेस। उस डाटाबेस से पता चलता है कि आज की तारीख में अगर आप देखना चाहें तो आज हवा जो खराब हो रही है उसमें किस किस एरियाज का कंट्रीब्यूशन है। इस डाटाबेस से पता चलता है कि दिल्ली में कितना प्रदूषण दिल्ली के एनसीआर के क्षेत्र से दिल्ली में आ रहा है। चौंकेंगे आप ये सुन के कि 24 तारीख से केंद्र सरकार ने वो डेटाबेस को सीक्रेट बना दिया। हमने सारे जो पोल्यूटिंग पावर प्लांट्स थे हमने सब बंद करे, सारी इंडस्ट्री हमने क्लीन फ्यूल की तरफ माइग्रेट करी, हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी लाई, हमने रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट सब पे काम किया है, लेकिन और सारी राज्य सरकारें जब तक इस तरह से एक्शन प्लान नहीं बनाती
काम नहीं करती, नॉर्थ इंडिया की जो एयर पोल्यूशन क्राइसिस है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का राज्य का दौरा जारी है। प्रियंका गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दमोह जिले में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि 45 साल में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है। उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार पर हमला बोला और कहा कि मध्य प्रदेश में रोजगार के मौके बेहद कम है, इसलिए यहां पलायन बहुत अधिक हो रहा है। पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सिर्फ 21 नौकरी दी है, वहीं रोजगार के माध्यम बंद हो गए हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश। यहां मध्य प्रदेश की जो सरकार है पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। यहां मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसमें देखिए तमाम डॉक्टरों के पद खाली हैं। नौजवान हैं पढ़े लिखे, ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने काम किया है, जिनके माता पिताओं ने बचत करके उनको मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, लेकिन भर्ती नहीं होती। तो एक तरफ से भर्ती भी नहीं होती, पद खाली हैं, उनको भरा नहीं जाता। जो रोजगार बनाने के माध्यम थे उनके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए, रोजगार बनते कहाँ से थे? एक तो बड़ी बड़ी जो सरकारी PSU होते थे, BHAL HAL इस तरह के जो PSU थे, इनसे बहुत रोजगार बनते थे। अब छोटी दुकानें, छोटे उद्योग, जैसे मैंने यहाँ रास्ते में बहुत सारी देखी और मैं देख रही थी कि छोटी छोटी दुकानें हैं। आपने इन दुकानदारों के, इन छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ रखी है। पहले आप नोटबंदी लाए, उसके बाद क्या किया इन्होंने, GST लाए, GST से और भी मुश्किलें बढ़ गई। तो जो छोटे उद्योग थे वो लगभग बंद होने के कगार पे आ गए और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके हजारों करोड़ लोन माफ हो रहे हैं। तीसरी जगह जहां से रोजगार आते थे, खेती किसानी से और ग्रामीण रोजगार से। मनरेगा को इन्होंने कमजोर बनाया, किसानों की कमर तोड़ी, हर जगह हर तरफ से महंगाई, पेट्रोल डीजल खाद कुछ भी हो, किसानों को कोई राहत नहीं मिली। तो रोजगार के जो माध्यम थे वो लगभग बंद हो गए। इसके साथ साथ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आपके जीवन में संघर्ष है, किस लिए है? अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं आप, बचत करने की कोशिश करते हैं, आज हर चीज पे GST, बच्चों की किताबें खरीदने जाएंगे GST, यूनिफॉर्म खरीदना है महंगा हो गया, इलाज कराना है किसी का महंगा है। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जिसकी भी सरकारी नौकरी है, एक ही मांग है आपकी, आज एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता हैं, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। धान का समर्थन मूल्य आपको 2500 रुपए कह रही है कांग्रेस पार्टी देगी। छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में 2400 रुपए आज मिल रहे हैं धान के लिए। तो देखो क्या हो रहा है, फिर कहो हाँ ठीक है ये सही बात कर रहे हैं, तभी वोट दो अपना। किसान के कर्ज की माफी की बात हम कर रहे हैं, किसान कर्ज माफ किए कमलनाथ, जब 15 महीनों के लिए इनकी सरकार थी तो किए। तो आपको मालूम है कि चलो इन्होंने करके दिखाया, ये फिर से करेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, बिजली बिल माफ की थी इन्होंने। तो जब आप देख रहे हैं कर्नाटका में भी हो रही है, तो जब आप देखें कि हाँ इन्होंने करके दिखाया है, इनके प्रदेशों में है, तभी कहिए ठीक है हम इनकी बात मान के वोट देते हैं इनको। गैस के सिलेंडर हमने कहा है 500 रुपए में दिलवाएंगे, अब देखिए ये 1200 रुपए में दिलवा रहे थे, चुनाव आने लगा झट से कम कर दिया। तो मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, सोचो इनके बारे में। घर जाओगे, दुकान चलाते हो तो सोचो क्या मुश्किलें बढ़ी कि कम हुई। खेती में जाते हो सोचो मुश्किलें बढ़ी कि कम हुई। रोजगार ढूंढने निकलते हो तो सोचो, पहले ग्रामीण रोजगार मिलता था, पहले रोजगार के मौके थे कि नहीं, PSU होता तो आपको नौकरी मिलती कि नहीं। और सोचो और अपने विवेक पर, अपने अनुभव के आधार पर अपना वोट डालो, अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने भविष्य को, अपनी आने वाली पीढ़ी को आप बचाओ। यही मैं मांगने आई हूँ आपसे, वोट नहीं मांगूंगी। मैं जानती हूँ कि जब आप जागरूक बनेंगे, जब आप ये सवाल उठाना शुरू करेंगे, जब आप सोच समझ के अपना वोट डालेंगे, तो इस चुनाव में एक ही जगह आपका वोट जाएगा और वो कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम